अस्सलाम वालेकुम। ये देख लें जी, ये एक मुझे एनएक्स का जो है वो बेकिंग ओवन सेल करना है। ये इसके बटन वगैरह हैं, सब कुछ ओके है, अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, ठीक है। और ये इसकी बेकिंग ट्रे है, ठीक है। ये इसकी बेकिंग ट्रे है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, बहुत कम यूज़ हुआ है। ये इसकी हॉट प्लेट है, इसमें खाना जो है वो ऊपर गर्म भी हो जाता है, ठीक। अब मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ, ऑन करके दिखा देती हूँ। इसका स्विच है, अच्छा जी, मैंने अब इसका जो है वो स्विच ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे इसका हम टेम्परेचर अगर 200 रखते हैं, और यहाँ पे जो है वो इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे देखें, इसका ये टाइमर ऑन हुआ है और टाइमर की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना। ये बंद होगा तो इस तरह से आवाज़ आती है। यहाँ पे हमने टाइमर को सेट कर दिया है, जितनी देर का टाइमर इसका सेट करेंगे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसकी रॉड्स सब ऑन हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसकी रॉड्स के ऑप्शन है, अगर यहाँ पे इस तरफ करेंगे तो ये दोनों रॉड्स ऑन हो जाएंगी, इस तरफ करेंगे तो एक रॉड हो जाएगी, और इस तरफ करेंगे तो नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इसको दोनों रॉड्स ऑप्शन पे जो है वो ऑन करने के कर दिया है। अभी रॉड्स ऑन होती हैं तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसके चारों रॉड्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं, क्योंकि इसका टाइमर अभी चल रहा है, ठीक है ना। चारों रॉड्स इसकी ऑन है, ठीक। दो ऊपर की हैं और दो नीचे की। ओके है, बिल्कुल इसका टाइमर वगैरह कोई इशू नहीं है इसमें।